हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी लास्ट, यानी प्रश्नावली 3.1 का 1 और 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन बच गया था पिछले वीडियो में, तो आज हम उसको कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम NCERT बुक ऑफ पॉलिनोमियल्स का ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। यानी आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना है, 160 रुपीज़ है या था। यानी बोला जा रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। फिर बोला जा रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति के बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी दो अलग अलग समय का बात किया गया है, यानी किसी समय 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपया था। और फिर बोला जा रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। तो इन दोनों स्थिति के लिए हमको क्या, ज्यामितीय निरूपण के साथ बीजीय गणित के भी इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, क्योंकि ये यहाँ से जो क्वेश्चन जो बेसिक एक तरह से हो गया, समझ लीजिए डिस्टेंस वगैरह जो कुछ भी, धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल, समय, जितना भी चार क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इसी टाइप का आता है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे सबके लिए, ग्राफ तो सेम ही है, मान निकलना ही क्वेश्चन का, सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या मान लीजिए, माना कि 1 kg सेब का मूल्य मान लीजिए X रुपया, फिर मान लीजिए 1 kg अंगूर का मूल्य कितना, Y रुपया। आप बीजीय व्यंजक भी बताया गया है और ज्यामितीय निरूपण, तो पहले बीजीय व्यंजक से हम इसका मान निकालेंगे, अक्षर वाई का मान। देखिए, 1 kg का सेब का है X रुपया, 1 kg अंगूर का दाम है Y रुपया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितना, 2 kg सेब है फर्स्ट कंडीशन है और 1 kg अंगूर है, तो हम क्या यहाँ पर क्या मेरा इक्वेशन हो जाएगा, 2x + y = 160 के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों का मूल्य 160 रुपया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और सेकेंड कंडीशन है, 1 महीने के बाद का जो सामान खरीदा जा रहा है उसके लिए चलिए देखते हैं, तो 4 kg सेब है तो एक्स माने सेब को, तो 4x हो जाएगा प्लस, और 2 kg अंगूर है तो अंगूर को माने वाई, तो कितना हो जाएगा 2y, तो 2y = 300 = ये हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, सेकेंड समीकरण। यानी दो समीकरण हम मान लिए दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग मान लिए। एक समीकरण फर्स्ट से हम इसको क्या कीजिए, y = 160 और ये 2x को सेट करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। अब इसके जगह हम सारणी में क्या करते, सारणी बना लिए इस समीकरण फर्स्ट के लिए। अब देखिए, जब हम यहाँ पर क्या x का मान 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y बराबर को कितना 160 यानी 160 प्राप्त होगा। तो देख पा रहे 0 जब रखते हैं तो 60 होता है, जब x बराबर 80 रखेंगे तो 80 दिन 160 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 160 से माइनस उसका 0 हो जाएगा, तो जब हम 80 रखें तो 0 हो जा रहा है। इसी प्रकार जब हम एक्स का मान जब 100 रखते हैं तो वाई का मान हमको निगेटिव में 40 मिलता है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट का सारणी मान। फिर चलिए समीकरण सेकंड के लिए भी इसी प्रकार हम क्या किए, फॉर यानी यहाँ पे x = हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस ये 2y वो सट जाएगा, प्लस का तो है प्लस में है तो सट जाएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम x का मान निकालेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा इससे। अब समीकरण सेकंड के लिए सारणी मान जब हम रखें, जब एक्स की जगह हम क्या 75 पुट करते हैं तो वाई बराबर हमको 0 प्राप्त होता है। फिर जब हम एक्स का मान 0 प्राप्त करते हैं तो वाई बराबर 150 प्राप्त हो जाता है। फिर जब एक्स का मान 25 रखते हैं तो हमको यहाँ पे 100 प्राप्त होता है y = जब सभी का अलग अलग कंडीशन के लिए क्या अलग अलग हमको मान प्राप्त हो रहे हैं, एक्स की जगह कुछ रख रहे हैं तो वाई की जगह हमको कुछ प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम क्या की, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड प्राप्त करने के बाद उसका सारणी मान में x का कुछ वैल्यू डालकर y भी प्राप्त कर चुके हैं, यानी x और y हमको मालूम है। तब हमको क्या करना है, क्या बीजीय गणित के द्वारा तो हम निकाल लिए x और y का वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब हमको क्या ज्यामितीय निरूपण के थ्रू क्या करना है, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ के माध्यम से भी दिखाना है। चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ अब एक ड्रॉ करते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए, देखिए ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। इस पे हम क्या 20 के यूनिट पर कुछ हम नंबर ड्रॉ रख लिए, यानी करने का मतलब क्या 20 40 60 80 और 100, यानी इस प्रकार हम चारों डेढ़ साइड यानी
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, सभी डायरेक्शन में 20 की दूरी पे नंबर हम रखे हैं। क्या तो इस प्रकार हम क्या किया, देखिए पहला कंडीशन में क्या 0 60 है, सभी तरफ फर्स्ट में तो 0 60 जीरो तरह जाएगा मूल बिंदु पे यानी ऑरिजिन पे, और 60 कितना जाएगा वाई बराबर 160 है, तो वाई बराबर हम अब ऊपर जाएंगे यानी यहाँ पर हमको आ गया, यहाँ पर देखिए 0 और 160 निरूपित किए। फिर एक्स एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ हमको 80 जाना है, तो 80 कहाँ पर देख पा लूँगी, यहाँ पर 80, यहाँ पर 80 है, और हमको क्या वाई बराबर 0 है, तो वाई बराबर 0 दो सीसी यही पीसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम आपको दिखा दिया सामने क्या 80, 0। फिर नेक्स्ट क्या है 100 यानी एक्स एक्सिस पर 100 लेना है, तो एक्स एक्सिस पर 100 क्या है यहाँ पर है देख पा रहे हैं, और वाई बराबर माइनस का 40, तो वाई बराबर माइनस का 40 के डाउनवर्ड जाएगा यानी नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 40 है, देखिए यहाँ पर जब हम मिलाए हैं तो यहाँ पर इस प्रकार मिलाए तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर जो भी निरूपित करके दिखा दिए हैं 100 माइनस 40। अब चलिए इसके लिए हम क्या, हम दो सभी प्रोवाइन को जब आपस में मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए इस प्रकार जो हम मिलाए पहले से मिला चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या एक लाइन हमको प्राप्त हुआ। फिर हम समीकरण सेकेंड का मान आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, देखिए माइनस एक्स इक्वल टू क्या 75 है, तो 75 कहाँ होगा, यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 80 है, ये बीच में पूरे बीच में 70 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 70 होगा तो 75 थोड़ा ऐसे आ गया, यानी इस पॉइंट पर क्या 75 लाइक कर रहा है दिखाया है, और वाई इक्वल टू 0 तो वाई बराबर 0 मूल बिंदु पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0 तो यहीं पर आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे 150 हमको जाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 140 और यहाँ पर 160 है, तो 140 और 160 के बीच में 150 होगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं यानी 150 का ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पर 25 वाई पर 25 लेना है, देखिए ये 20 है तो 20 से आगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पर 100 यानी वो 100 लेना है, तो वाई एक्सिस पर 100 लेना है, तो हम 100 के थ्रू यानी यहाँ पर दिखाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा और इस प्रकार ये यहाँ पर मिलेगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एरो जो है यानी ये जो एरो है देख पा रहे 25, 100 है, यानी यहाँ से ये नहीं है सॉरी, यहाँ से ये जो पॉइंट गया है ये क्या है 25, 100। फिर जब हम इस लाइन को प्राप्त करते हैं, जब इसको हम खींचते हैं तो क्या पड़ता है, इसके पैरेलल में एक लाइन क्या होता है हमको फिर से प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ से हमको देख पा रहे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के लिए क्या पैरेलल लाइन प्राप्त होता है, ये जो हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए है और ये जो है समीकरण सेकेंड के लाइन ड्रॉ की है। दोस्तों इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर तो एक्स और वाई का मान अलग अलग स्थिति में अलग अलग कंडीशन से निकाल ही लिए हैं, साथ ही साथ ज्यामितीय निरूपण भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो आप इस प्रकार आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को रोक कर उतार लीजिए और समझने की कोशिश की, और इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके सामने है तो उसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर 3.2 का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है।